मेरे प्यार बहनों भाइयों और मित्रों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं लियोटिप ओजेड टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट को कब कैसे यूज नहीं करना चाहिए, इसको हम पूरी जानकारी जानने वाले हो। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हो। इस प्रोडक्ट को यदि किसी व्यक्ति को लंग्स इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया या कोरिक ब्रोंकाइटिस, इन दोनों ही समस्या में यह प्रोडक्ट दी जाती है, जो कि लंग्स इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन पेशेंट को होता है जो सांस लेने में परेशानी रहती है और खांसी रहती है, दोनों आम समस्या है। तो इन बीमारियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर यह प्रोडक्ट प्रेस्क्राइब करते हैं। साथ ही लंग्स से रिलेटेड बीमारी है जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, टीबी, इसमें सेकंड लाइन थेरेपी के रूप में दिया जाए तो इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है यह प्रोडक्ट। इसके अलावा बात की जाए सिनोटाइटिस की, जिसमें व्यक्ति के जो नाक है, नाक के आजू बाजू में ब्लॉकेज सा रहता है, जिस कारण से व्यक्ति का नाक बंद रहता है या नाक बहने लग जाता है, इस कारण से सर दर्द भी होता है। तो इन समस्या में भी यानी एंटी डॉक्टर इन समस्याओं में इस प्रोडक्ट का यूज करवाते हैं और देते भी है। और यदि कोई व्यक्ति है जिसको यूटीआई यूरिन इन्फेक्शन है, जिस कारण से उसके पेशाब में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, साथ ही पस लाइट इन्फॉर्मेशन उसमें आ रही है, या बार बार उनको पेशाब लग रही है या कम पेशाब आ रही है, उस समस्या में भी यह प्रोडक्ट काफी फायदेमंद सामने देखा गया है। साथ ही कई बार पेशेंट को यूरिन प्रॉब्लम होने के कारण कैटरेक्ट लगाया जाता है और भी कई कारण से कैटरेक्ट लगाया जाता है, और काफ़ी लंबे समय तक जब कैटरेक्ट लगाते हैं तो उस समय यूरिन कैटरेक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी यह प्रोडक्ट बहुत ही कारगर है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति है जिसको प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, जिसका मतलब कि प्रोस्टेटाइटिस में को स्वेलिंग आ गई है, जो कि एक गर्भनथी है जो हमारे यूट्रस के पास में होती है, और इस कारण जब सूजन आ जाती है तो उस समय में पेशाब करने में प्रॉब्लम रहती है, यूरिटीन में कोई ना कोई दिक्कत रहती है, तो उस समय भी यह प्रोडक्ट अच्छी फायदेमंद देखी गई है। अगर महिलाओं में बात की जाए तो पोल्विक इन्फ्लेमेटोरी डायसिस नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें महिलाओं को ओवर यूट्रस फ्लैपिंग ट्यूब या वैगिना रूप में कोई ना कोई बीमारी उनको रहती है, तो उस समय गायनोलॉजिस्ट इस प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छा प्रयोग लेते हैं। यदि कोई महिला है जिसको स्किन डायसिस है, या कोई पुरुष है जिसको स्किन डाइटिस या सोफ्टाइसिस इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि कैलुटाइटिस हो गया है, एंट्रैक्स हो गया है, एंट्रैक्स एक प्रकार की बीमारी है दोस्तों, जिसमें एक ब्लिस्टर हो जाता है, हमारी स्किन पे धीरे धीरे उसके चारों ओर स्वेलिंग हो जाती है, कुछ टाइम के बाद में ब्लैक हेडेका हो जाता है और फिर उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, तो उस समय में भी यह प्रोडक्ट डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है और पेशेंट को यानी कि मरीज को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों ट्रेवलर्स डायरेक्या नाम से एक बीमारी है, जिसमें ट्रेवलर्स के दौरान व्यक्ति को दस्त लगने शुरू हो जाते हैं और ये दस्त कई बार ब्लड हेडिया का खून में भी खून का भी रूप ले लेते हैं, खून भी उसमें आने लग जाता है, समय में भी यह प्रोडक्ट दिया जा सकता है, यानी कि डॉक्टर इस प्रोडक्ट को लेने की सलाह दे सकते हैं। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको दो बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नंबर वन, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परेशानी या किसी भी तरीके का अन्य साइड इफेक्ट दिखा है तो घबराए नहीं, तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करे। नंबर टू, किसी भी प्रकार की अन्य मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मरीज की पेशेंट की उम्र अकॉर्डिंग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, उनके हार्मोन्स के ऊपर, उनकी उम्र के ऊपर, उनके वजन के ऊपर, उनकी जांच करवाने के बाद
डॉक्टर दवाइयां देता है। इसलिए दोस्तों पहले अपने डॉक्टर से परामर्श यानी कि संपर्क करें, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहां है, वरना सब मिट्टी समान है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप समझ। तो दोस्तों ये थी लियो टिप टैबलेट की फुल इन्फॉर्मेशन, फुल जानकारी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।